केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए BSNL ने 10,000 टावरों को बेचने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। BSNL ने इन टावरों की एंटरप्राइज वैल्यू 4,000 करोड़ रुपए तय की है। बता दें कि इस राशि का इस्तेमाल BSNL अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए उपयोग करेगी। मुंबई और दिल्ली को छोड़कर देश के हर हिस्से में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले BSNL के पास 68,000 टेलीकॉम टावर हैं। BSNL केवल उन टावरों को बेच रहा है जिनके पास रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे थर्ड पार्टी के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ को लोकेशन की व्यवस्था है। इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का मानना है कि ब्रुकफील्ड के स्वामित्व वाला डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट टावर खरीदने में रुचि दिखा सकता है। उसने 2019 में रिलायंस जियो के 1,30,000 से अधिक टावरों का अधिग्रहण किया था। आंशिक रूप से एयरटेल के स्वामित्व वाला इंडस टावर्स भी इसमें रुचि दिखा सकता है। आपको बता दें कि BSNL का टावर पोर्टफोलियो देश में सबसे बेहतरीन है। BSNL का 70% टावर फाइबर युक्त है और 4G और 5G सर्विस मुहैया कराने के लिए तैयार है। लक्ष्य के तहत BSNL को 2025 तक 13,567 टावर और MTNL को 1,350 टावर बेचने हैं। कुल मिलाकर BSNL और MTNL को करीब 19,917 टावर बेचनी है। जुलाई में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने BSNL के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की घोषणा की थी। इसमें स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलना, कैपेक्स सपोर्ट, सॉवरेन गारंटी सपोर्ट और 4G लॉन्च शामिल है। कैबिनेट ने BSNL और BBNL के मर्जर को भी मंजूरी दे दी है। इस मर्जर से अब देश भर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल BSNL के हाथों में आ जाएगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।